सो फाइनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस। गूगल के तरफ से आने वाला एक प्रोडक्ट है, एक लोकल लिस्टिंग है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अपने बिजनेस को आप टॉप में रैंक करा पाएंगे। मैं आपके लिए दो तीन ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले चीजें जानेंगे सारे टूल्स के बारे में, यानी गूगल माई बिजनेस में जितने भी टूल्स है उनका क्या यूज होता है एक्चुअली में, ये सारी चीजें जानेंगे। अगर आप बिगिनर है, आपको कुछ पता नहीं है, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली लास्ट तक देखना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप उन सारे टूल्स के बारे में बताया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप गूगल माई बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है राजेश, आप देख रहे हैं डिजिटल राजेश यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर ओपन करना होगा। आप फोन में से अगर मैनेज करना चाहते हैं तो फोन में भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप में। उसके बाद आपको यहाँ पे URL में ये वाला URL आपको टाइप करके प्रेस करना है एंटर। अब डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे अपने अपने बिजनेस को लिस्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो बिजनेस लिस्ट किया हुआ है। सो जिस बिजनेस के बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए उस बिजनेस वाला, उस बिजनेस प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो बिजनेस का प्रोफाइल नेम है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, होम, पोस्ट, इन्फो, इनसाइड, रिव्यू, मैसेज, फोटो वगैरह वगैरह सारे चीज़ें दिया हुआ है। एक एक से करके सारे इन डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, होम पेज पे हैं। होम पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कीप कस्टमर अप टू डेट है। लाइक यहाँ पे गेट स्टार्टेड हमने क्लिक किया, यहाँ से पूछ रहा है कि कन्फर्म आपका बिजनेस ओपन है या परमानेंटली क्लोज हुआ है, टेम्परेरली क्लोज हुआ है। कई बार होता है बिजनेस को हमें बंद करना होता है कुछ दिनों के लिए, तो हम टेम्परेरली क्लोज पे क्लिक करके सेव कर देंगे। परमानेंटली यानी कि बिजनेस क्लोज कर रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मार्क ऐसे ओपन रखेंगे सेव। इस तरह से कुछ आपको क्वेरी होगा जो कि आपसे पूछा जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो करके इन सारे को सेव करते जाएंगे। यहाँ से आपके बिजनेस आवर्स पूछ रहा है, इसको भी हम सेव कर देंगे और इस तरह से। और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है जो कोविड के लेकर, यहाँ से यस नो में ऑप्शन पूछ रहा है, इसको यस नो करके हम लोग सेव कर दिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है जो कि आपको पूछना होता है। उसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, क्रिएट पोस्ट, ऐड फोटो, क्रिएट ऐड। तो इसका नेक्स्ट हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को मैनेज किस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल की मदद से। अपने बिजनेस नेम सर्च करेंगे, अगर आपका गूगल अकाउंट लॉगिन है तो आपका बिजनेस मैनेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे या ओनली विजिबल टू मैनेजर, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल आया, यहाँ से आप मैनेज वगैरह कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं टोटल मैनेज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट इजिली मिनट, इसको आगे जानेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस है कि आपका फाइल पे यानी कि अपने बिजनेस प्रोफाइल पे कितना सर्चेज है, कितना व्यूज है, क्या एक्टिविटी है, सारा चीजें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लेटेस्ट कस्टमर फोटोज है जो कि रिव्यू में मिला है, और यहाँ से आपका रिव्यूज दिखाया जा रहा है। गेट प्रोफेशनल ईमेल फ्रॉम योर टीम, यानी कि कई बार होता है कि हम लोग डोमेन वगैरह लेते हैं और आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है, उस टाइम आपको एक प्रोफेशनल ईमेल मिलता है आपके कंपनी के नेम पे, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, बहुत दो तीन लोग एक साथ में वर्क कर सकते हैं एक गूगल अकाउंट पे, तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोफाइल कितना परसेंट कंप्लीट है, यहाँ पे शो करता है 85% मेरा कंप्लीट है, इसलिए शो कर रहा है। यहाँ से एक ऑप्शन है कि कनेक्ट इन रियल टाइम विद वीडियो, यानी कि आप अपने कस्टमर से के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐप्स दिए हुए जैसे कि यहाँ पे गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, जूम हो गया, तो ये ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, योर बिजनेस कहाँ कहाँ पे आपका बिजनेस शो करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ऑन गूगल, व्यू ऑन सर्च और यहाँ पे गूगल मैप पे, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है शेयर योर प्रोफाइल, प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पे या मेल पे, या आप इस URL को कॉपी करके कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं रिव्यू लेने के लिए। जैसे इस मान लीजिए हम URL को किसी और टैब में ओपन करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे चले आए इस प्रोफाइल पे और यहाँ से क्या होगा, हम रिव्यू दे सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह के लिंक शेयर करके आप बोल सकते हैं रिव्यू के लिए, ताकि आपके बिजनेस का रिव्यू अच्छा खासा हो जाएगा। तो होम सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट से आपको सेक्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है कि आप रेगुलर बेस पे कोई पोस्ट, जैसे कि आप क्रिएट पोस्ट पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, COVID-19 अपडेट अगर कोई आता है तो आप दे सकते हैं, ऑफर है कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर ऑफर देना चाहते हैं इस सेक्शन में, कुछ न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं या सर्विस लॉन्च कर रहे हो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऑफर वाला एक सेक्शन में क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड फोटो और वीडियोस, यानी कि फोटो और वीडियोस दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं आप अपने इमेज को, जैसे कि यहाँ पे फोटो क्रॉप दे सकते हैं, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रहने दिया क्रॉप करके। उसके बाद यहाँ पे क्या, और जो भी ऑफर का है यहाँ पे जो भी टाइटल देना है वो लिख देंगे, स्टार्ट कब से हो रहा है, एंड कब तक होगा ये देंगे हम, और यहाँ पे 20% हम ऑफ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल कुछ दिया हुआ है जैसे ऑफर डिटेल्स, कूपन कोड या जो भी यहाँ पे टर्म कंडीशन कुछ देना हो तो यहाँ पे दे सकते हैं आप, इसके बाद पब्लिश कर देंगे। ओके, पोस्ट यहाँ पे रेडी हो गया देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से पोस्ट एक एक से करके आप अपना बिजनेस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है,
इन्फो का एक सेक्शन है। इन्फो में क्या होता है कि जो भी आपके बिजनेस के इन्फॉर्मेशन है वो सारे चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो हेडिंग नेम है इसको आप चेंज कर सकते हैं, बिजनेस नेम, उसके बाद कैटेगरी जो दिया हुआ है वो चेंज कर सकते हैं, एड्रेस है, सर्विस एरिया कहाँ कहाँ देना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको नीड है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेट्स, यहाँ पे कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन है जैसे स्टोर कोड, लेबल, गूगल एड्स लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें करना है वो कर सकते हैं। फोर्थ वाला पार्ट जो इनसाइट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनसाइट समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ कस्टमर सर्च फॉर योर बिजनेस, यानी कि एक महीना का यहाँ के ड्यूरेशन है, 6 महीना, 1 वीक और 1 मंथ आप कर सकते हैं। तो मैंने 1 मंथ सेलेक्ट बाई डिफॉल्ट रहता है। यहाँ से कुछ आपको ग्राफ्स दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट है, डिस्कवरी है, ब्रांडेड है। यहाँ पे ग्राफ्स की मदद से आप समझ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट पीपल हु फाइंड बिजनेस प्रोफाइल सर्चिंग, यानी कि आपके बिजनेस का जो भी नेम है या आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी सर्च कर रहा है वो डायरेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारा है 5.7%, यानी कि टोटल हमारा कितना है, ऑल सर्चेज यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना है, 3183, जिसमें से डायरेक्ट कितना है, 183 लोग डायरेक्ट हमारे बिजनेस के नेम से या एड्रेस के नेम से आए हैं। उसके बाद डिस्कवरी में क्या होता है, पीपल हु फाइंड बिजनेस, डिस्कवरी में है कि लोग आपके बिजनेस के कैटेगोरी या आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके प्रोफाइल पे आए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कवरी में आप जितना ज़्यादा रीच करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लाइंट मिलेगा और आप अपने सर्विस को दे पाएंगे। तो यहाँ पर डिस्कवरी में देख सकते हैं कि 92.1% यहाँ पे आया हुआ है। टोटल 2933 लोग यहाँ पे डायरेक्ट हमारे बिजनेस पे विजिट किए हुए हैं। और ब्रांडेड का वर्क होता है फाइंड योर लिस्टिंग सर्च फॉर ब्रांड रिलेटेड योर, यानी कि जैसे कि ब्रांड हो गया आपका कोई भी एक हेडिंग, जैसे कंप्यूटर कोई सर्च करा, उसके बाद हमारा प्रोफाइल है वो विजिट किया तो कितना है हमारा ब्रांड में है, यानी कि 67 लोग उस तरह के आए हुए हैं हमारे प्रोफाइल पे। तो एक कस्टमर का हमारा कुछ डेटा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं वेयर कस्टमर व्यू योर बिजनेस ऑन गूगल, यानी कि बिजनेस दो जगह पे आपको दिखाता है, मैप्स और गूगल सर्च में। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग ऑन सर्च और लिस्टिंग ऑन मैप टोटल कितना बार दिखाया है। आप डेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं किस डेट को आपने आपका बिजनेस कितना शो किया है गूगल पे और कितना मैप्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 जुलाई को 72 सर्च में किया है और 105 मैप पे शो किया है हमारा बिजनेस, लोगों ने सर्च किया है हमारा कीवर्ड। सबसे हाईएस्ट कब का डेट में है, 27 जून को, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग ऑन मैप 535 लोगों ने देखा और 61 लोगों ने गूगल सर्च की मदद से हमें बिजनेस पे प्रोफाइल पे विजिट किया है। उसके बाद यहाँ पे है कस्टमर एक्शन, यानी कि कस्टमर क्या एक्शन लिया है आपके बिजनेस पे, वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विजिट योर वेबसाइट, टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 7 लोगों 1 महीने के अंदर में वेबसाइट पे विजिट किया है। रिक्वेस्ट यानी कि डायरेक्शन पे लोग 12 लोग ने ऐड किया, क्लिक किया है। और कॉल यानी कि आपको कॉल 8 लोगों ने किया है। तो टोटल ये एक्शन है आपके कस्टमर का जो भी आपके बिजनेस पे विजिट किए हैं। और यहाँ से आप अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं किस डेट को कितना, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 जुलाई के दिन रिक्वेस्टिंग डायरेक्शन 1 है और कॉल 4 है। यहाँ से इस मंथ और क्वार्टर में भी इसे आप देख सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन रिक्वेस्ट, यानी कि अभी उतना ज़्यादा डेटा नहीं है ताकि ये शो करे। अगर आपको ज़्यादा प्रोफाइल विजिट है और ज़्यादा लोग डायरेक्शन के लिए एक्सेस मांगते हैं तो आपके ये भी डेटा शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे फोन कॉल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं डे ऑफ वीक टाइम ऑन द डे 1 मंथ का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे के दिन 4 लोगों ने कॉल किया हुआ है और संडे के दिन 1, और इस तरह से आप अपने डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फोटो व्यूज, 1 महीने के अंदर में आपके सारे फोटो, यानी कि जो भी आपने फोटो शेयर किया है उसको कितना बार देखा जा रहा है अदर बिजनेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाता है। इससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोटो ऐड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पाएंगे तो आपके रैंकिंग में भी काम आता है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आपका रैंक करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे है फोटो क्वांटिटी, आपने कितना अपलोड फोटो किया है और कस्टमर ने कितना फोटो अपलोड किया है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। और बिजनेस लाइक यू, बिजनेस ओनर ने 15 फोटो अपलोड किया है और कस्टमर 5 फोटो अपलोड किया है अदर बिजनेस से जो हमारे कैटेगोरी में आते हैं, यानी कि जो भी मेरे लोकेशन पे अदर बिजनेस इंस्टीट्यूट वाले होंगे वो सारे इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हो। गूगल आपको डेटा देता है ताकि आप भी एनालाइज करके अपग्रेड कर पाएँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनसाइट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिव्यू में। रिव्यू में क्या होता है, जो भी आपको रिव्यू मिलता है उसको आप रिप्लाई दे सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ऑल सेक्शन में आपने जितने को भी रिप्लाई दिया है सारा यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से रिप्लाइड में है और हैव एंड रिस्पॉन्ड, यानी कि जो भी रिव्यू आया और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है वो यहाँ से आप कर सकते हैं।
राइट सेक्शन में आपको फिल्टर का ऑप्शन होता है, जैसे हाईएस्ट राइटिंग लोएस्ट राइटिंग से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे उसके बाद यहाँ पे मैसेज, डायरेक्ट आपको अगर कोई मैसेज करता है आपके बिजनेस प्रोफाइल पे, न्यू फीचर ऐड किया है गूगल माई बिजनेस ने जहाँ से कस्टमर आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं यानी कि चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोई इंक्वायरी किया था और यहाँ से उसने फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था, तो इधर से हमने फी स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो। फोटो सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके बिजनेस पे किस तरह के फोटो ज्यादातर है, जैसे कि बाय ऑनर यानी कि आप ऑनर हो तो कितना फोटो आपने ऐड किया और हर फोटो पे कितना व्यूज आए हुए यहाँ से आप देख सकते हैं। बाय कस्टमर यानी कि रिव्यू में आपको कितने फोटो मिले और उन सारे व्यू फोटोज पे कितने व्यू हुए, सारी चीज देख सकते हैं। उसके बाद आपने वीडियोस कोई पोस्ट किया तो यहाँ पे शो होगा। इंटीरियर आप ऐड कितना किए हुए हैं और भी इंटीरियर का अगर फोटो आप ऐड करना चाहें प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। एक्सटीरियर एट वर्क यानी कि टीम आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ओवरव्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियोज़ में अभी मैंने एक भी वीडियो ऐड नहीं किया है, सो यहाँ से इसलिए वीडियो का सेक्शन दिखा रहा है कि ऐड वीडियो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको और भी सेक्शन दिखा रहा है तो उसमें आप अपना फोटो या वीडियो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेक्शन है प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, DCM डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे आप अपने यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर कोई भी हमारे बिजनेस पे विजिट करता है तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट शो होता है यानी कि आप कौन कौन सा सर्विस या कौन कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्टेड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं DCM ने ऐड किया, केवल DCA दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा आप ऐड प्रोडक्ट में जाकर और यहाँ से जो भी प्रोफाइल आपने बनाया है प्रोडक्ट के लिए वो सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का नेम टाइप करेंगे, कैटेगरी वगैरह ऐड करेंगे, सारी चीजें आप करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सो एक स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ताकि आपका एक लीड जनरेट हो पाए, सेल्स और सर्विस आपका ज्यादा हो, ठीक है। बाद यहाँ पे कोर्सेज है, अगर कोई कोर्सेज आप यहाँ पे पूरा आपका दिया हुआ है ऑल कोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है क्या, आपका सर्विसेज। सर्विसेज में आप सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, जैसे कि इसको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका बिजनेस है उसको ध्यान में रखें कि आपका हेडिंग यानी कि कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करें और उस कैटेगरी में सब कैटेगरी को ऐड करें। मिसमैचिंग कैटेगरी ऐड करते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। अगर आपको पता नहीं कि अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है और आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल बताया है कि आपका अकाउंट कैसे सस्पेंड होता है, किस रीजन से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है। वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वेबसाइट आप गूगल माई बिजनेस के थ्रू बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू साइट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपका साइट दिखेगा जिसमें आप अपडेट वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजर यानी कि आप कितनों लोगों के एक्सेस दिए हैं अपने इस बिजनेस प्रोफाइल को, यहाँ पे दिखा सकता है प्राइमरी ऑनर कोई और है, मैनेजर कोई और है, तो इस तरह से आप एक बिजनेस को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करके मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है क्रिएट एन ऐड, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि आप अपने बिजनेस को ऐड, जैसे कि क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करेंगे तो कोई भी कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्च करेगा तो क्या सर्च में टॉप पे दिखाएगा आपके बिजनेस को। तो यहाँ से आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर बताऊंगा कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप ऐड कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद गेट कस्टमर कस्टम ईमेल, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको तीन चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा सकते। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपने बिजनेस का जो भी नेम रखें वो सही से रखें। दूसरा चीज़ कि आपको आपका रिव्यू लेना है कीवर्ड पे, जैसे कोई भी रिव्यू आप लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन बोरिंग रोड पटना, ये जैसे मैंने कीवर्ड लिया हुआ है, ठीक है। इस कीवर्ड को आपको हर कमेंट सेक्शन में यानी कि रिप्लाई जो भी रिव्यू आप कराते हैं खुद से, उस रिव्यू में आपको ये वाला कीवर्ड को प्लेस कराना है। उसके बाद आप आगे पीछे कुछ भी लिखे तो क्या होगा कि आपको उससे रैंकिंग मिलेगा। जब भी कोई सर्च करेगा बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन बोरिंग रोड तो क्या होगा कि हमारे प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा रिव्यूज होंगे इस कीवर्ड पे, तो हमारे प्रोफाइल को गूगल प्रमोट करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्स है। थर्ड चीज की आप टाइम टू टाइम अपडेट डालते रहें यानी कि पोस्ट बनाकर ऐड करते रहें अपने बिजनेस प्रोफाइल पे ताकि आपको इंगेजमेंट मिले, व्यूज मिले और आपके प्रोफाइल को गूगल माई बिजनेस रैंक करें। सो ये कुछ तीन टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर किसी भी तरह का क्वेरी है गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई के माध्यम से आंसर हो जाएगा। और आपको किसी भी तरह का सहायता चाहिए आपके बिजनेस प्रोफाइल में तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।